आइकन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको टमाटर का पौधा के बारे में जानकारी देंगे, जो ये चेरी की वैरायटी की टमाटर है। आइए मिलवाते हैं, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखिलेश चरण हुआ जी। और ये बताइए सर कि वैरायटी क्या है? ये चेरी टोमेटो है। ये कब लगा था? ये आपको अक्टूबर जी अक्टूबर में लगा था। अक्टूबर में। और इसमें खासियत क्या है इस टमाटर का? ये लगातार आपको अप्रैल मई तक फल देता रहेगा जी। और एक पौधे से करीब 25 से 30 किलो तक फल देने का क्षमता है जी। अच्छा, ये लगाने के कितने दिनों के बाद फ्लावर चालू हो जाता है? ये 60 दिन के बाद। 60 दिन के बाद। और कितना दिन इसकी लाइफ होती है? करीब 10 महीना। 10 महीना। और मतलब फ्रूटिंग हार्वेस्टिंग कब से होने लगती है? हार्वेस्टिंग 90 दिन के बाद। 90 दिन के, यानी 60 दिन में फ्लावर आ जाएंगे। हाँ। और 90 दिन मतलब होते होते ये फल चालू हो जाएगा। हाँ। हार्वेस्टिंग। और ये 10 महीने तक चलेंगे? हाँ, 10 महीने तक लगातार। जी जी। और इसमें कोई मतलब कीट या कोई बीमारी? बीमारी तो इसमें कम लगता है हर टोमेटो से जी। और इसमें खासियत है कि फल देने का क्षमता बहुत है जी। और स्वाद भी बहुत बेहतर होता है। स्वाद भी बहुत बेहतर। बोलिए, इसमें पूरा ऑर्गेनिक है? पूरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, वर्मी कंपोस्ट जी। ये पूरा। अच्छा, इसमें लगाने के मतलब के कितने दिन के बाद इसमें खाद दिया जाता है? एक पौधा में कितना खाद देते हैं? ये इसमें तो करीब 1.5-2 kg लगभग वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जी। और इसमें कोई खाद खास? फिर वो सरसों के खली का सड़ा करके। सरसों के खली। हाँ। जी जी। अंग्रेजी मतलब कोई केमिकल? नहीं, केमिकल नहीं, बिना केमिकल का ये है। जी जी। फुल्ली ऑर्गेनिक है? हाँ, ये फुल्ली ऑर्गेनिक जी। और कुछ खासियत इसके बारे में? और तो हम तो कहेंगे कि ये टोमेटो हर किसी को लगाना चाहिए जी, घर में, अपने गार्डन में। और इससे बेहतर फल देने वाला नहीं है कोई। अच्छा, ये बताइए कि जनरल जो टमाटर है और इस टमाटर में क्या अंतर है? जनरल टमाटर का टेस्ट इतना बेहतर नहीं होता है जी, इतना दिन तक वो फल नहीं देता है जी। और उसके बाद वो इतना फल देने का क्षमता नहीं, उसमें क्षमता नहीं, नहीं। और एक पौधा जो है इतना देखिए कि बहुत सा अच्छा सा ग्रोथ कर गया है, और जनरल टमाटर इतना ग्रोथ नहीं करता नहीं, है। ये करीब इसका 20 फीट, 20 फीट तक 20 जाता फीट है लंबाई है, 10 फीट उधर और 10 फीट इधर, 10 फीट इधर और 10 फीट इधर इसकी लंबाई है जी। चलिए सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को शेयर भी करें और बेल की घंटी भी दबा दें, ताकि अगला जो वीडियो हम लाएंगे वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको सूचना मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।